तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी ऐप शेयर करने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपने किसी भी मोबाइल को जो है फिंगरप्रिंट मोबाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट जैसा ही लॉक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 100% वर्किंग ट्रिक है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप प्ले स्टोर से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद जो है इसको फिंगरप्रिंट लॉक सर्च करता हूँ। तो फिंगरप्रिंट लॉक सर्च करने के बाद जो आपको ये वाला जो एप्लीकेशन जिसमें टाइम हो रहा है 12:30, इसको जो इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए जो है मैं इसको सिंपली आपको ओपन करके बता देता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस है। और ये आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, थीम, पासवर्ड, प्रीव्यू और सेटिंग है। तो मैं प्रीव्यू में चले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से इसका स्क्रीन लॉक है। जब आप अपना थंब इधर प्रेस करके रखेंगे तो ये आपके जो है स्कैन करने के बाद जो है आपके थंब को जो है लॉक हटा देगा आपके थंब की हेल्प से। तो चलिए मैं इसको सेटिंग में जाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन लॉक इसमें जो है मैंने ये ऑफ होगा। अगर आपके पास ऑफ होगा तो आपको सिंपली इसको ऑन कर लेना है इस तरीके से, और जब भी आप अपना मोबाइल ऑन करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन लॉक आ जाएगा। और अनलॉक साउंड जो है मैं इनेबल कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि जब भी मैं इसको अनलॉक करूँगा तो एक साउंड मेरे सामने आएगा जो बहुत ही अच्छा सा होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ अपने मोबाइल को ऑफ करके। देखिए, मैंने अपने मोबाइल को ऑफ़ कर लिया। अब जैसे ही मैं ऑन करूँगा आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है और एकदम ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका डिस्प्ले भी। तो चलिए मैं इसको पहले डाउन शो दिस ऑप्शन को कर देता हूँ टिक, और थंब को अपने इधर प्रेस करके होल्ड करता हूँ। कुछ इस तरह से स्कैनिंग होती है और जो है मेरा ये लॉक खुल जाता है एक दफ़ा। और देख लिए, मैं आपको करीब से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं अपने मोबाइल को खोलता हूँ इस तरह से कुछ इंटरफेस आता है, और जब मैं इस पर थंब प्रेस करके होल्ड करता हूँ तो कुछ इस तरह से स्कैनिंग होती है और ये ऑटोमेटिक जो है खुल जाता है। तो ये फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे बताइएगा कि कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी मसला हो तो मुझे कमेंट में बता दिया करें कि भाई इस पर मुझे वीडियो बनाना है। तो चलिए, आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।